देखो बराड़ एक अच्छा गायक है, उन्हें अपने किसानों वास्ते भी और हर वाले अपने सोशल सेक्शन विच भी अपने अच्छे गाने गाए ने, लेकिन इहदा मतलब ये नहीं है कि क्योंकि तुसी किसानों की मदद करो या होर पंजाब दे विच तुसी गीत गाओ कि तुसी जिहड़े गैंगस्टरिज्म नू प्रमोट करन वाले तुसी गाने ने वो गाओ और उत्थे तुसी कहो कि पिस्तौलां नाल लोगों नू मारो फलाना करो कुंडा, दिस इज़ ब्रेकिंग द लॉ and if the SSP has registered a case against him, that's the right thing that he did. And ahi ji gal inu karni nahi chahindi si, aur main aas karda hai ki in future nobody does this, because jo bhi kanoon toduga, jo gangsterism ya ethe kisi kisam di bhi harkat karaun waste koi aise kadam chakuga, I will be very strict on them. I will not allow lawlessness to come in Punjab. We are sitting on the Pakistani border. They will provoke these people, and this is something that I will not permit. I will not allow the peace of Punjab to be broken. Main Punjab di jehdi shanti hai oh usnu main bhang hon di bilkul nahi deni. Sir, Hoshiarpur de vich BJP leaders de ghare kuch leader kuch farm leaders vadan di koshish kar rahe se, unna te 307 da parcha kita gaya sir attempt to murder. Koi farm leaders nahi se, dal khalsa wale se hai. और दल खालसा वाले एक ट्रॉली भर के लिया से गोहे दी और सिटना चाहते से जब वो एम मुड़न लगे इन टू उस घर के उन्होंने चौकीदार होना या कोई बंदा होना वो सामने लिट गया और जब लिट गया उपर चढ़ाई तो नहीं लेकिन वो कोल ही बिल्कुल पहुँच गए और FIR जी उन्हें की है SHO ने आई थिंक ही वेंट ओवर बोर्ड वो ज़्यादा उन्हें जाके अगे वो 307 पाती ऐसी SIT बनाई है और 307 हटाती लेकिन आई एम ऑल्सो दिस वॉज नॉट राइट ऑन द SHO's पार्ट सो आई एम गोइंग टू हैव हिम शिफ्टेड फ्रॉम देयर ही दिस सॉर्ट ऑफ थिंग शुड नॉट बी डन दिस 307 मीन्स अटेम्प्ट टू मर्डर एंड दिस वॉज नॉट अ केस ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर सो आई थिंक ही शुड हैव बीन मोर सिलेक्टिव इन हिज चार्जेस सर कुछ चैनल्स वालों जो दिल्ली के टिकरी बॉर्डर से सिंघू बॉर्डर से किसान बैठे हैं उन्होंने टेररिस्ट कहा जा रहा है वह तो यह जे लोग करते हैं जोड़े BJP के अखबार वाले ने जोड़े इन्हों कदे टेररिस्ट कह देंगे ने कदे नक्सल कह देंगे ने कदे कुछ कह देंगे ने सीधे साधे बेचारे किसान ने उन्हां दी बीबियां बैठिया ने वो आप बैठे ने 55 तो मर गए उत्थे मौसम इन्नी खराब है उन्हां दी रजाइयां भिज गई उन्हां दे कपड़े भिज गए उन्हां दे तंबू भिज गए यू थिंक दे आर लाइकिंग इट बट वो और ये किसान अपने वास्ते नहीं कर रहे उन्होंने तो पता है कि असीं तां इस दुनिया च अगले साल रहने या 2 साल रहने 3 साल अपने बच्चों वास्ते आने वाली पीढ़ियों वास्ते कर रहे हैं और वो अपनी जाना दे रहे हैं वो वास्ते तो ये कहना इन्हों के नक्सल ने या टक्स ये तो इररिस्पोंसिबल रिपोर्टिंग है सर कई महीना तो किसान जोड़े हैं वो धरना कर रहे हैं पहले पंजाब से कर रहे थे हम दिल्ली बॉर्डर से कर रहे हैं ये जो किसान आगू ने बहुत हम मीटिंग भी बहुत सारिया भारत सरकार के हो गई हैं देखो गल तो कदम खत्म होगी गल कान गो ऑन फॉर एवर गल तो मुकनी पऊ और वो मुकानी पऊगी द हैड ऑफ द गवर्नमेंट नू दैट इज़ द प्राइम मिनिस्टर अगर पंजाब कोई मसला है मेरी जिम्मेवारी है एज चीफ मिनिस्टर इट्स नैशनल मैटर है इट इज़ द गवर्नमेंट इट इज़ प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने एक टीम बिठाई है 3 मिनिस्टर्स दी जो उन्होंने नाल गलबात कर रहे हैं हूँ अगे बधाओ 6 मीटिंगा हो चुकी ने अगे बधाओ एंड जब तुसी जानते हो कि किसान सारे हिंदुस्तान दे आ रहे ने केरला तो भी तुरे आ रहे ने उरे मीनस इट इज़ अ वाइड स्प्रेड फीलिंग ये सारे कितने फैल गई है ये जी फीलिंग है और थोनू ये गल मुकानी पाऊगी असी अपने तरफ तो असी क्या होया है असी थोड़े कानूनों नहीं मानते असी रद्द करते अपने असैम्बली असी पास अपने बिल कर दे उत्थे लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी सोचना चाहिए था इट्स नॉट ओनली पंजाब अब पंजाब हरियाणा राजस्थान छत्तीसगढ़ उत्तराखंड यू नेम इट केरला ताई तो लोग उत्थे किसान आए हुए ने कल कुछ न्यूज़पेपर्स ने रिपोर्ट्स ने सजेस्ट किया है कि भारत भूषण आचार्य जी का यह बयान आया कि पंजाब दे विच जिहड़े किसान लॉज जिहड़े सेंटर ने पास किए हैं इंप्लीमेंटेड है ए मैं पूरी रिपोर्ट लिखी है आई हैव गॉट अ फुल रिपोर्ट फ्रॉम ऑल सोर्सेस और ए आशु जी ने गल कदे नहीं कही एक अखबार ने चक्की है वो पता नहीं क्यों मिसचिप करना चाहता सी अखबार उन्हें चक्की है और उस अखबार तो सारे ने चक ली मैं समझदा कि दिस इज़ इररिस्पोंसिबल रिपोर्टिंग अगेन अखबारों जो ऐसे सेंसिटिव इशूज आते हैं अपने आप उन्होंने दे शुड गो एंड अपने आप पता करना चाहते अपने बंद तो कि सही है या नहीं सही और वो कैसे हो सकता है कि मिनिस्टर एक मेरा पहला स्टेट है पंजाब
जी ने सेंट्रल लॉज तो बाद अपना अपना इजलास बनाया, उहदे विच असीं अपने बिल पास किए, उन्होंने रद्द किए, और आशकू जी भी मेरे मिनिस्टर उहदे विच उत्थे ही बैठे। How can this the minister make such a statement? It's a mischievous statement. है, mischievous reporting है, and that mischievous reporting आज फैल गई। सर हम थोड़ी सरकार का अगला कदम की है? ये किसानी च साड़ी तक किसानी का देखो अग्रीमेंट तक करनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, लेकिन मेरी 101% सपोर्ट उन्होंने नाल है, किसानों नाल जेडे आज दुखी उस सिस्टम से उत्थे बैठे ने, और असी की कर सकते हैं, साढ़े हाथ से नहीं, ये तो दिल्ली सरकार दे दिल्ली बॉर्डर पर बैठे ने, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टू डिसाइड। सरकार बन दिया ने लोगों के प्यार नाल, एंड मे 70% तो पंजाब साडा हिंदुस्तान रहिंदा पिंडां दे विच, अगर वो लोग अज चाहते ने कि ये उन्होंने बिल्कुल कोई सैटिस्फैक्शन नहीं है कानून से भी, तो कानून बदल दो। तुसीं कॉन्स्टीट्यूशन देखो, जब तो कॉन्स्टीट्यूशन 1950 दे विच एक्सेप्ट होया, अज तक 100 बार तो उपर अमेंडमेंट हो गया, सो वाई कांट यू चेंज अ लॉ? अगर वो कहते हैं कि ये कानून तुसीं रद्द करो वापस करो, तो वापस कर दो, उस तो बाद उन्होंने कमेटी नाल बह के जेड़ा कुछ तुसीं वो करना चाहते हो तुसीं यू कैन वर्क आउट विद दम, लेकिन वंस एंड फॉर ऑल शांति लियाउण वास्ते, लोगों नूं ठंड पहुँचाउण वास्ते, और किसानी नूं वापस अपने घर भेजण वास्ते, अगर अपील करना है तो करो अपील। अगर गवर्नर साहब की ड्यूटी बनती सी कि साडे जिहड़े बिल्स ने वो बिलों नूं अपनी अगे फॉरवर्ड करन राष्ट्रपति जी नूं, ताकि राष्ट्रपति जी फैसला करन, नहीं कीती, अज भी राजभवन दे विच पए ने, और दीज बिल शुड हैव गॉन टू राष्ट्रपति भवन, और उत्थे राष्ट्रपति जी नूं देखना चाहिंदा सी, लेकिन नहीं कीती, देयरफॉर साडे कोल कोई होर ऑप्शन नहीं है, वी विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट। सो जिहड़े साडे किसान बारिशां दे विच उत्थे उहनां दे टेंट गिल्ले हो गए, बहुत औखी घड़ी च उत्थे रह रहे हैं, उहनां वास्ते थोड़ा की सुनेह है? मेरा प्यार है उन्होंने, मेरी पूरी हमदर्दी उन्होंने है, जो मैं कर सकता उन्होंने वास्ते पंजाब दे विच मैं करन नूं तैयार है, और मैं कर ही रहा, पर मैं दिल्ली दे विच नहीं जा सकता, ना हरियाणे दे विच मैं जा सकता, मेरी तो ड्यूटी घग्गर बॉर्डर नहीं टपदी, असी उधर दा होर सूबे आ जाते हैं, लेकिन इत्थे उन्होंने वास्ते मैं हैल्पलाइन दे दित्तियां ने, बोट पुलिस दियां, एंड एक होर हैल्पलाइन कि जदों भी किसी नूं कोई तकलीफ होए अपने पिंड दे विच या उन्हां दे परिवारां दे विच या कोई बीमार हो जाए, वो हैल्पलाइन ते तुसीं करो, असी थोड़ी पूरी पंजाब गवर्नमेंट थोड़ी इत्थे सपोर्ट करेगी।